हेलो फ्रेंड्स, एकता होम फूड्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सनई के फूल की सब्जी बताने की विधि बताने जा रही हूँ। सनई का फूल फाइबर से युक्त होता है, इसके बहुत सारे मेडिसिनल फ़ायदे भी हैं। तो देखिए, सनई के फूल को देखिए, मैंने सनई के फूल लिए, देखिए मैंने अच्छे से इनको साफ़ कर लिया। साफ कैसे करना, देखिए इसमें पीछे देखिए डंडी दिख रही है, ये बहुत लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं, इनको तोड़ तोड़ के डंडियाँ हटा के इसको साफ़ कर लेना। फिर इसको अच्छे से एक बॉयल दे देना है। चलिए हम इसको पानी भर के एक बॉयल इसको देंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारा सनई का फूल उबल रहा है, चलिए मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाले में देखिए, मैंने एक प्याज, 15 से 20 कलियां लहसुन, 2 इंच अदरक ली है और 1 चम्मच सरसों ली है पीली वाली। इसको हमको मिक्सी में बारीक इसका पेस्ट बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सनई का फूल उबल गया है। अब इसको छन्नी में छान के एक बार ठंडे पानी से खूब अच्छे से धो के साफ कर लेंगे। और देखिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, ये हमने 2 चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच बेसन और ये जो हमने अदरक लहसुन और सरसों ली थी, ये हमने उसको पीस के उसका पेस्ट बना लिया है। 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 बड़ा चम्मच खटाई का और स्वाद के अनुसार नमक ले लिया है। फ्रेंड्स, देखिए हमने सनई के फूल को छन्नी में छान लिया है और इसको ठंडे पानी से धो लिया। अब हमको इसको ऐसे दबा दबा के इसका सारा पानी निकालना है। दबा दबा के इसका सारा पानी हमको निकाल के इसको रख लेना है। फ्रेंड्स, देखिए हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हमने सरसों का 2 बड़े चम्मच ऑयल डाली है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। सनी के फूल में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, या नॉन स्टिक में बनाएंगे तो थोड़ा कम लगेगा चपके करने। मैंने 2 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल डाला है। अब हम इसमें हमने जो अपना अदरक प्याज लहसुन का पेस्ट बनाया था सरसों का, वो हम इसमें डाल देंगे। डाल के इसको हल्के से 1 मिनट तक भूनेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, पूरा गुलाबी नहीं करना है, बस 1 मिनट तक हमको इसको चलाते हुए भूनना है। देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट हो गया है, प्याज भुन थोड़ी थोड़ी भुन गई है। अब हमको क्या करना है, हमको इसमें अपना हमने 2 चम्मच बेसन लिया था, वो हमको इसमें डाल के इसको भी 1/2 से 1 मिनट तक चलाते हुए भूनना है, जिससे बेसन का कच्चापन में आए ना। देखिए इसको भी ऐसे चलाते हुए 1 मिनट तक भूनना है। देखिए 1/2 से 1 मिनट हो गया है, बेसन अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। ये मैं आपको बताना भूल गई थी इंग्रेडिएंट में, 1/2 चम्मच हल्दी डाल के इसको चलाएंगे। और इसके बाद हम अपने इसमें जो सनई के फूल हमने निचोड़ के रखे थे, देखिए निचोड़ के जो रखे थे, वो हम इसमें डाल देंगे। वो डालने के बाद इसको हम अच्छे से, इस समय गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम रहेगी, और फूल डालने के बाद आप गैस की फ्लेम को स्लो कर दीजिएगा। इसके बाद हम इसमें कुटी लाल मिर्च, हींग हमको तड़के में नहीं डालनी है, ये पिसी खटाई 1 से 2 चम्मच, नमक अपने स्वाद के अनुसार मैंने 1 चम्मच डाला है, और ये जो हमने चावल का आटा लिया था इसको हमको ऐसे ही इसमें ऊपर से डाल देना है और सबको अच्छे से मिक्स करना है। देखिए हमने सब सामान को अच्छे से मिक्स कर दिया है, सब इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब अगर आपको ऑयल कम लग रहा हो तो साइड से आप थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्लो आंच पे कम से कम इसको भूनने में 10 से 15 मिनट स्लो आंच पे पलट पलट के भूनते रहिए, ये बिल्कुल गुलाबी गुलाबी हो जाएगा। तो चलिए इसको अलट पलट के बीच बीच में इसको एक एक दो दो मिनट पे ऐसे पलटते रहेंगे, और अब हम इसको अलट पलट के 10 से 15 मिनट तक या गुलाबी होने तक भूनेंगे। देखिए 5 मिनट हुआ है, हमारा रंग देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। इसी तरह हम पलट पलट के इसको 10 से 15 मिनट या गुलाबी होने तक भूनते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा सनई का फूल खूब गुलाबी गुलाबी भुन गया है। फ्रेंड्स, सनई के फूल के बहुत फ़ायदे होते हैं। फ्रेंड्स, सनई के फूल में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और सनई का फूल अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसी मौसम में मिलता है, इसके बाद ये नहीं मिलता है। तो सनई के फूल की सब्जी आप इस तरीके से बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी भी होती है और बहुत ही पौष्टिक भी होती है। तो फ्रेंड्स, अब आप इसको देखिए, सनई का फूल गुलाबी गुलाबी भुन गया है। अब आप इसको गरम गरम रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ इसको खाइए।
तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी सनई के फूल की बढ़िया टेस्टी लाजवाब पौष्टिक सब्जी तैयार है। फ्रेंड्स हर बार की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय।